हाय फ्रेंड्स, मैं चानी और आप देख रहे हैं आपका नया यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद चानी। और आज मैं आपको लेके आई हूँ एरिटोला के पूजा पंडाल पे, जहाँ का थीम है म्यूजिक। इस बार हमें इस पंडाल के जरिए ये बताया जा रहा है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितने पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ा है, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, तो उसी के ऊपर ये पंडाल बनाया गया है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर की तरफ दिखाने के लिए आगे का पूजा पंडाल। आप देख ही पा रहे हैं कितना खूबसूरत पंडाल है, और इसकी खूबसूरती है मेन ग्रामोफोन। यहाँ पे आप दो तरीके से आ सकते हो, एक बिकेपाल सोवा बाजार मेट्रो उतर के बिकेपाल आकर के आप यहाँ आ सकते हो एरिटोला, और एक आप एरिटोला घाट से आ सकते हो। आप देख ही पा रहे हो भीड़ कितनी थी, शीतला मंदिर के आगे से भी ये भीड़ है। तो चलिए अंदर चलते हैं इस भीड़ का हिस्सा बनकर। माँ शीतला का मंदिर था ये, और हम एंटर कर रहे हैं अब पंडाल के अंदर। ये पंडाल मेनली म्यूजिशियन, सिंगर और इंस्ट्रूमेंट को ट्रिब्यूट किया गया है। संगीत हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है इस पंडाल को, लाइटिंग आप देख सकते हो। अभी के टाइम पे जहाँ पे लोगों को इंटरनेट और मोबाइल से फुर्सत नहीं है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं, तो उसी को दर्शाते हुए ये पंडाल बनाया गया है। और ये है माँ की मूर्ति जो कि आप देख पा रहे हो। मैंने कोशिश की है जो लोग यहाँ पे नहीं आए उनको पूरा फील दिया जाए ये पंडाल दिखाने के लिए, ताकि उनको लगे कि वो यहाँ आके गए हैं। और जो लोग आए हैं वो तो फील करके ही गए हैं कि पंडाल कितना खूबसूरत है, माँ की मूर्ति कितनी सौम्य और अच्छी है। बहुत ही खूबसूरती के साथ माँ की मूर्ति को लाया गया है, बहुत ही प्यारा भाव है माँ के चेहरे पर, हम सबको माँ आशीर्वाद दे रही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो लोग यहाँ पे ना आए हो वो लोग देख पाएँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रात की रोशनी में मैंने आपको ये पंडाल दिखाने की चेष्टा की है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यहाँ पे सारे म्यूज़िक नोट्स, पियानो, ग्रामोफोन, रेडियो सबको दर्शाया गया है पुराने ज़माने के, जो कि हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे छोड़ आए हैं। इस पंडाल के आसपास और भी बहुत सारे पंडाल हैं, जैसे कि जोड़ा बगान, मालापाड़ा, अगर आप इस साइड में जाते हो तो आपका सुबह बाजार, लेकिन यहाँ की थीम सबसे हटकर होती है हर साल। इस साल भी हटकर ही है। यहाँ की पूजा वन ऑफ द फेमस पूजा में से एक है। देख ही पा रहे कितने डिटेलिंग से यहाँ पे सारा काम किया गया है। आपको रात के अंधेरे में तो मैंने दिखाया पंडाल, लेकिन आपको पूरा समझ ना आए इसलिए मैंने डे की भी कुछ क्लिप्स लिए हैं आपके लिए, कि आपको बारीकी से दिखा सकूं कि हमें इस पंडाल के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है। ये जितने भी आर्टवर्क है सब कैसेट के रील से बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कारीगरी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने फोकस करके दिखाया है। ये सब रील से बनाए हुए हैं, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, ये जितने भी चित्र हैं सब रील से है, कैसेट के रील से बनाए हुए हैं। ग्रामोफोन, पुराने संगीत को अपने जीवन में वापस लाने के लिए ये सारे कैसेट से बनाए हुए हैं,
ये आप जो भी देख पा रहे हैं, ये जो माइक हमने गाला लगाया हुआ है, ये सब कैसेट से बनाए हुए हैं। अभी कोई भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता म्यूज़िक सीखने में। पियानो को कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, रेडियो को छोड़ आए हैं, इसलिए हमारी डेली टू डेली लाइफ में ये सब वापस से आए, हम म्यूज़िक को महत्व दें, क्योंकि म्यूज़िक हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए दूसरे पंडाल पे चलते हैं आपको लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।